शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चल स्वीटी। क्या हुआ मम्मी, कहाँ जा रही हो? हम अकेले नहीं जा रहे हैं, तुम हमारे साथ जा रही हो। चल। कहाँ जा रही हो बड़की ठकुराइन? अम्मा जी, हमें ना साफ साफ बात करने की आदत है। हम मानते हैं कि हमारी याददाश्त चली गई है, पर इतना जान चुके हैं कि हम बड़े हवेली की ठकुराइन हैं। हमारा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि हम अपनी बेटी को इस घर में दे दें, जहाँ पर हमारा दामाद हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। श्रवणी ने एक बार कहा और इसने उनकी बात मान ली, उस तरफ हो लिया। हम अपनी बेटी को ऐसे घर में काये दें जहाँ पर उसकी जगह कभी भी छिन जाएगी, और आप हम पर बंदूक तांग कर खड़ी हो गई। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छी परवरिश है उसकी। आपका पोता ये शादीशुदा है, ये बाप बनने वाला है। हमारी बेटी तो बस इसके मुंह में आ गई कि शिवांश दुखी है, इसके दुख से हमारी बेटी को प्यार हो गया। कुछ नहीं सोचा हमारी बेटी ने, उसका साथ देने का सोचा बस। वरना हमारी बेटी को किसी की कमी नहीं है, बहुत लड़के मिल जाएंगे हमारी बेटी को। चल जूठी, यहां से निकलते हैं। मम्मी, कैसी बातें कर दी आज आपने, बहुत गलत बोला मम्मी आपने आज। हम शिवांश से प्यार करते हैं, फिर से प्यार करते हैं। मम्मी, उसने कहा ना कि ये आखिरी बार है, दोबारा नहीं होगा। तुम्हारा माथा खराब हो गया है, हमने देखी है दुनिया। चलो तुम यहां से। आपने दुनिया देखी होगी, हमको नहीं देखती। हमारे लिए तो हमारी दुनिया शिवांश है। हाँ, पता है हमको दीदी की बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हमारे कोई बड़े बड़े सपने नहीं है मम्मी। हमारा तो बस एक ही सपना है, बस एक सपना कि पूरी जिंदगी शिवांश के साथ गुजारे, शिवांश के पत्नी बनकर रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और वो सपना टूट जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, काहे कि कभी भी वो श्रवणी आएगी और तुम्हारा सपना तोड़ देगी, ये जगह तुमसे कभी भी छिन जाएगी, समझी? चलो अब यहां से निकलो, चलो। बस बस, हमें ऐसे ही पत्र चाहिए थी जो बस अपना घर संभाले। जाने कहां से शिवू श्रवणी के जाल में फंस गया। पर जाल में तो ये आज भी फंसा हुआ है अम्मा जी, श्रवणी के ही जाल में फंसा है। शिवू, तुम्हारा क्या फैसला है? बस अम्मा, बहुत हो गया, आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया। आज के बाद हम शवनी की तरफ देखेंगे भी नहीं और ना ही उसे सुनेंगे। पर शवनी ये शादी नहीं होने देगी। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाली पूर्णिमा को जो हम शादी करने वाले थे, वो हम आज करेंगे स्वीटी के साथ। अम्मा, पंडित जी बुलाइए और दुल्हन को तैयार कीजिए, हम आज शादी करेंगे।
वो भी स्वीटी के साथ। ठीक है शिवू, ठीक है। बड़की ठकुराए, दुल्हन को तैयार करो और हम भी शादी की तैयारियां करते हैं, हैं? हमारी बेटी दुल्हन बनेगी, मिल गया शिवू। हर बात में हमसे दो कदम आगे चल रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी हम शिवांश को सच साबित नहीं कर पाए। हिम्मत मत हारो बेटा, हौसला रखो, सब ठीक होगा। रोहन, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रवणी, तुम्हारी हेल्प करने। रोहन प्लीज, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब तुम कुछ समझते ही नहीं हो। श्रवणी, सबने हमारी दोस्ती के रिश्ते को नाजायज कहकर पहले ही गाली दे दी, अब क्या तुम भी वही मान लोगे? कम से कम हमारी दोस्ती को इतना तो बख्श दो कि अच्छे और बुरे वक्त में हम अपने बचपन के दोस्त की मदद कर सके। श्रवणी, तुम नहीं जानते स्वीटी ने हमें तुम्हारे और शिवांश के बारे में कितनी अजीब अजीब बातें बताई। हम डर गए थे। तब से हम रात पर यही सोचते थे कि कैसे श्रवणी को इस मुसीबत से बाहर निकालें। लेकिन अब हम समझ गए कि स्वीटी की चाल थी, वो शिवांश को पाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही थी। हम जानते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ शिवांश से प्यार करती हो, हम सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं। प्लीज ये दोस्ती बने रहने दो। रोहन, हम बहुत देर हो चुकी है, गलतफहमी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि। श्रवणी, हम समझते हैं और हम दोस्ती की गरिमा में रहकर ही तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। I just really wanna help. बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है। पर तुम करने क्या वाले हो? फिलहाल तो वसुधा जी की जमानत से शुरुआत करते हैं। वकील साहब, ये शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं। मैं इनके पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। तो क्या माँ परी हो जाएंगी? अभी नहीं, अभी मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें किसी भी तरह की सजा से बचा लिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पति को मारा था। कानूनी दाव पेच है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ क्या कहें। थैंक यू सो मच। शबनी, इसकी कोई जरूरत नहीं। बाकी सब आप प्लीज कार्यवाही शुरू कीजिए। सुंदर लग रही है मेरी बेटी, इतनी बड़ी हो गई, क्या दुल्हन बन गई। बस कहा रोई हो तुम बुढ़ी अम्मा, वो तो बिल्कुल गदगद हो गई। पर मम्मी, आपने देखा, शिवांश ने खुद कहा कि शादी आज ही होगी। मम्मी, फिर हम दुल्हन बनने जा रहे हैं। शिवांश हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो गया। मम्मी, हमारा सपना पूरा हो गया। अभी हमेशा हमेशा के लिए हुआ नहीं है, इससे पहले शर्मी आके कोई और बवाल काटे, हमारे फेरे करवा दे, और फिर तुम और शिवांश पूरी जिंदगी एक साथ। हाँ मेरी गुड़िया, चलो।
नानी साले बाबू देखो कितने बढ़िया लग रहे, नजर ना लगे, थूप 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 नजर ना लगे। क्या बात है, दूल्हा तो बड़ा उतावला है, पहले से मंडप में आके बैठा है, फिर हमको भी बिठाओ ना मम्मी। ले तुम उतावलापन मत करो, दुल्हन के जैसे शर्मा हो, ठीक है? चलो ठीक है। अरे बाबू अरे देखो तो, पंडित जी आप शुरू कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सब क्या चल रहा है भैया, आधी शादी कर रहे हैं, श्रवणी भाभी कहाँ है? श्रवणी माँ, थैंक यू सो मच रोहन, सच में तुम। श्रवणी इसकी कोई जरूरत नहीं, ढूंढ भी फॉर्मल, हमें तो ये बताओ कि हम और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हारी मुसीबतें आसान हो। एक मिनट, हेलो भाभी जी, बहुत ही गजब हो गया, शिवांश भैया तो हमारे सामने मंडप में बैठे हैं, शादी कर रहे हैं आज ही। क्या हम अभी आते भैया, हम अभी आते। क्या वो चंडी सब ठीक तो है? नहीं रोहन, माँ शिवांश, शिवांश आज शादी कर रहे अभी इसी वक्त। श्रवणी अगर तुम चाहो तो ये शादी हम अभी रुकवा सकते हैं, तुम जानती हो हमारे बहुत कनेक्शंस हैं और शिवांश को ऐसी सजा मिलेगी कि। नहीं रोहन, हम ऐसा नहीं चाहते। श्रवणी तो फिर क्या तुम ये शादी होने दोगी? चलिए अब वर और वधू का गठबंधन कर दीजिए। हाँ भाई अब गठबंधन कर देते हैं, अब 7 जन्मों का वादा जो निभाना है एक दूसरे के साथ। तुम दोनों का रिश्ता इस गांठ के जैसे हमेशा मजबूत रहे। नहीं माँ, शादी तो हमें रोकनी है लेकिन हम शिवांश को ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, वैसे ही वो बहुत तकलीफ में, लेकिन अब हम ऐसे अपने पति को खो भी नहीं सकते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आपके पास शिकायत लेकर आए, हम शादीशुदा हैं और हमारा तलाक नहीं हुआ, हमारे पति दूसरी शादी कर रहे हैं, इस गैर कानूनी शादी को आप ही रोक सकते हैं। हो रही शादी खुशबू, ये तुमने बनाया? Obviously. हाँ हम चाहते हैं शवनी को बचपन से। ये अबॉर्ट करना चाहती है और समझदारी इसी में है कि आप इस वक्त इसका साथ दें। चलिए
अफेरे संपन्न हुए। क्या बात है, मुबारक हो। सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाएंगे। सिब्बू, चलिए भगवान की कृपा से ये शादी संपन्न हुई। अरे अरे अरे, बधाई बधाई। अभी वर और वधू खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जुग जुग जियो, खुश रहो। तुम लोगों को कभी किसी की नजर नजर तो अब लग ही नहीं सकती। धमाजी, आपकी पहली बीवी आपको बधाई देने आई है। दूल्हे बाबू, क्या बात है, दोबारा ब्याह करने का चस्का लगा है। चलिए अभी इस बारात को थाने की तरफ घुमाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आपको भी साथ ले चले। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? माताजी, अभी इनका तलाक नहीं हुआ है, ये शादी गैर कानूनी है। अरे शादी तो हो गई इंस्पेक्टर साहब, अब कहाँ रुके? मम्मी, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? ये शादी उसकी पहली बीवी की मर्जी से हुई है। वो जो भी है हमें नहीं पता। गैर कानूनी शादी करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप?
देखिए माता जी, आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चलिए चलिए शिवू, तू डरना नहीं, तू डरना नहीं शिवू, शिवू शिवू शिवू। दुल्हन, ये तूने अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं अम्मा जी, ये नहीं। होते कौन हो हमें रोकने वाले? श्रवणी के दोस्त। दोस्त? ये दोस्ती का ही नतीजा है जो ये सब हो रहा है। जो चाहते थे वो तो हो गया, अब ले जाओ इसको अपने साथ। जब हमारा पोता ही इसे अपनी पत्नी नहीं मानता तो ये यहां किस हक से रह रही है? अम्मा जी आराम से, इसकी हालत तो देखिए। कैसी औरत हो तुम, जरा सी भी लाज शर्म नहीं है? पति को जेल कराकर अभी चैन मिला तुमको? अब क्या तमाशा करने के लिए रुकी हो? जाते क्यों नहीं? जमानत करवा दी है हमने और अपनी शिकायत भी वापस ले ली है। हम केवल ये शादी रोकना चाहते थे जो रुकी नहीं, लेकिन हम और हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।